आप ये जो बाजरे के कट्टे देख रहे हैं, ये इस समय हम सेक्टर 17 वार्ड में, वार्ड नंबर 17 में खड़े हैं। करनाल का ये वार्ड है और ये वार्ड के पार्षद हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये बाजरे के कट्टे डिपू होल्डर से लेकर लाए जा रहे थे और यहाँ पर किसी दुकान पर बेचने के लिए ये जो बाजरे के कट्टे हैं वो लेकर आए जा रहे थे। पहले भी करनाल में कई घोटाले देखने को मिले हैं, चाहे वो आटा घोटाला हो या धान घोटाला हो या स्ट्रीट लाइट का घोटाला हो। आप देख सकते हैं कि इन कट्टों में बाजरा है और ये जो बाजरा है वो डिपू होल्डर से लेकर आया जा रहा था। एक जो रिक्शा है उसमें ये बाजरा लेकर आया जा रहा था एक दुकान पर बेचने के लिए। हम यहाँ के जो एमसी हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक बात पहुँच सके, मैसेज पहुँच सके और ये जानकारी मिल सके कि किस तरह से करनाल में गड़बड़ी देखने को मिलती है। क्योंकि पहले भी फूड सप्लाई विभाग में कई गड़बड़ घोटाले हुए, चाहे वो आटे घोटाले की बात की जाए या धान घोटाले की बात की जाए। आप वार्ड के पार्षद? सर, मैं वार्ड नंबर 17 से पार्षद हूँ। ये जो रिक्शा लेके रेडी चालक था, जो ये वार्ड नंबर 17 से चला, कुछ साथियों ने इसका पीछा किया, वहाँ से फिल्म वगैरह मेरे पे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे करके यहाँ से सप्लाई किया जा रहा है। तो ये वार्ड नंबर 16 है जहाँ पे हम इस टाइम खड़े हैं। ये वार्ड जैसे इससे पूछा गया तो इसकी बैक साइड में एक डिपो बताया कि सन्नी नाम करके ये एक डिपो है और यहाँ से मैं बाजरा लाया हूँ। तो ये बाजरा जब ये पकड़ा गया तो ये गरीबों का बाजरा है, ये घोटाला है सरेआम जी। इस मामले में मैंने अपने अनिल जी जो अपने डीपीएससी हैं उनको भी फ़ोन किया है, तो उन्होंने कहा कि मैं इंस्पेक्टर साहब को भेज रहा हूँ यहाँ पे। तो ये बाजरा वार्ड नंबर 17 से सन्नी डिपो का है और ये वहाँ से चोरी होकर यहाँ बेचने के लिए लाया गया था वार्ड नंबर 16 में आसी चौक। कितने कट्टे हैं तकरीबन बाजरा के? और ये सर आपके सामने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 सात कट्टे हैं। सात कट्टे लमसम, सात कट्टों में एक कट्टे में 50 किलो के करीब वेट है। तो ये 3.5 क्विंटल के करीब। चलो आज आपने पकड़ लिया ना, तो रोजाना इस तरह से बाजरा आता होगा, कभी तेल आता होगा, कभी और? बिल्कुल सर, देखो ये जब आज इतना घोटाला है तो इससे बड़ा घोटाला तो ये लोग जरूर करते होंगे। और इस पे हमने पर्दा पास किया कि भाई ये वार्ड नंबर 17 से जो बाजरा था अभी थोड़ी देर पहले वहाँ से चला था और ये 16 में बेचने के लिए लाया गया था, जो आसी चौक पे है यहाँ पे भगवाड़िया गैस एजेंसी के पास में। ये किसी आपको कोई जानकारी मिली थी, वीडियो वगैरह भी आपने कोई बनाया? जी, ये जो इसका ये पीछा कर रहे थे लड़के, तो वो उन्होंने इनकी फिल्म भी बनाई और फिर मेरे से संपर्क किया तो मैं तुरंत इसके साथ पास आ गया। तो ये वार्ड नंबर 16 में हम खड़े हैं, वार्ड नंबर 17 से ये रिक्शा चलता है जिसमें तकरीबन 7 कट्टे बाजरा के थे। इनमें तकरीबन 50 किलो के आसपास जो है वो बाजरा था और ये बाजरा बेचने के लिए अगर बात की जाए दुकान में लेकर आया जा रहा था। किन लड़कों ने जो है पीछा किया था इनका? कौन से लड़के थे वो? छोटा पवन। पवन है क्या? आप पीछा कर रहे थे? मैंने देखा सर इनको। कहाँ से ये चले थे? ये महाराणा प्रताप स्कूल से चले थे सर जी। महाराणा प्रताप लग रहा है आपको? हाँ, डिपो का है सर, यही बता रहा है रेडी वाला। तो आपने कहाँ से देखा? जो महाराणा प्रताप स्कूल है ना उसके साथ से ही सर। मैं अपनी बाइक की चैन टाइट करवा रहा था, कुछ लोगों के फोन भी आए भाई बाजरा जा रहा है, कई लोग वहाँ पे भी खड़े थे जो देख रहे थे। समझने की जरूरत है कि जो लोग, जिन लोगों को ये बाजरा मिलना चाहिए, जिन लोगों तक ये बाजरा पहुंचना चाहिए, उन लोगों तक ये बाजरा नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि फूड सप्लाई विभाग में कई बार कई घोटाले देखने को मिलते हैं, चाहे वो आटा घोटाला हो या धान घोटाला हो। और कई बार ऐसे लोगों के भी राशन कार्ड बन जाते हैं जो मर चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, उसके बाद भी इस तरह की जो गड़बड़ी है वो डिपू होल्डर की तरफ से देखने को मिलती है या फूड सप्लाई विभाग की तरफ से देखने को मिलती है। जो रिक्शा चालक है उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कहां से ये आप बाजरा लेकर आ रहे हैं। तहसील कॉलोनी। डिपो होल्डर का ये बाजरा है? वो डिपो का तो बहुत मतलब पता नहीं, मतलब गया वो मेरे खड़ा था वहां, मैं उधर से आ रहे थे, वो कहा कि जो मेरे को थोड़ा सा मतलब सामान है ले चलना है हाँसी रोड पर, मैं लोड कर लिया जी।
जिसने आपको कहा कि ये रिक्शा लेकर जाना है, ये बाजरे के कट्टे लेकर जाने हैं, वो आपके साथ बाइक पर आ रहे थे या गाड़ी पर आ रहे थे? वो कहा कि तू चलो मतलब आगे, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। उसके बाद अभी चलो आया नहीं। ये तो चलो काफी समझदारी दिखाई इन लड़कों ने, इन्होंने इस रिक्शा पकड़ लिया, इन बाजरों के कट्टों को पकड़ लिया। ना जाने रोजाना कितने घोटाले इस तरह से देखने को मिलते होंगे। जो जो राशन की दुकानों पर, डिपो पर सामान मिलता है, चाहे वो बाजरा हो या आटा हो या फिर तेल हो, उसको लेकर भी कितनी गड़बड़ घोटाला देखने को मिलता है। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक एक मैसेज पहुंच सके, प्रशासन तक एक मैसेज पहुंच सके और उन लोगों पर कार्रवाई की जा सके ये जो ये गड़बड़ घोटाला करते हैं। क्योंकि फूड सप्लाई विभाग की तरफ से डिपो होल्डर पर शिकंजा कसा जाता है, देखा जाता है कि उन लोगों को सामान मिल रहा है या नहीं मिल रहा जिनको इनकी ज़रूरत रहती है। ज़्यादा जानकारी आगे की मेरी सहयोगी उर्वशी चावला देंगी। तो जैसा कि मेरे सहयोगी ने कुछ लोगों से बातचीत की, किस तरीके से बाजरे से भरी हुई ये जो रेडी है, आप देख सकते हैं किस तरीके से कितने कट्टे जो है, एक बार फिर से जैसा कि हमने बातचीत की अभी वार्ड नंबर 17 के जो पार्षद है, जैसा कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से सीएम सिटी करनाल में एक और घोटाला जो है वो यहाँ पर हो रहा है, जहाँ पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम ने दिखाया, चाहे आटा घोटाला हो चाहे धान घोटाला हो, किस तरीके से गरीबों की जरूरत के जो सामान है वो उन तक नहीं पहुँचता है, बल्कि जो डिपो होल्डर्स हैं वो किस तरीके से अवैध तरीके से उन्हें जो है बेच देते हैं। अगर आटा घोटाले की हम बात करें, कितनी समय तक जो है वो मामला सुर्खियों में रहा था, कितने जाया जा रहा था, पार्षद वार्ड नंबर 17 के हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, एक बार फिर से हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, कैसे आपने इसे पकड़ा है और क्या कुछ अभी तक आपको इसके बारे में बताना है? मैम ये भाई था पवन अपना, उसके साथ साथ रेडी के साथ साथ शिव कॉलोनी से ही चला था। जब ये शिव कॉलोनी से चला तो मेरे को फोन आ गया था, मैंने ये कहा कि तू इसका पीछा कर, कहाँ तक ये चलता है। ये ऐसे अंदर करके गली में बढ़ने लगा तो फिर हमने इसको रोका, भाई ये बाजरे को तो कहाँ लेके जा रहा है। जब इसने बताया कि ये वार्ड नंबर 17 से लेके चला, ये डाल देगा जी लड़का। तो जैसा कि अभी हमने वार्ड नंबर 17 के जो पार्षद हैं उनसे बातचीत की, जैसा कि उन्होंने भी अभी आरोप लगाया कि किस तरीके से गरीबों का बाजरा जो है वो किस तरीके से डिपो होल्डर्स जो हैं उसको बेच रहे थे अपने आप में ही, जहां लोगों की अगर हम बात करें, जहां आटे घोटाले की अगर हम बात करें, कितनी दफा देखा गया कि उस पर भी काफी समय तक जो है अधिकारियों ने एक्शन नहीं लिया था। लेकिन आज अगर हम इस बाजरे की अगर बात करें, जैसा कि आप देख सकते हैं कितने कट्टे जो है यहाँ पर इस रेडी पर जो है लेकर जा रहे थे, वार्ड नंबर 17 से लेकर आए और वार्ड नंबर 16 में इस समय हम लोग मौजूद हैं यहाँ तक। हालांकि जैसा हमें पार्षद ने बताया कि एक पवन नाम के एक लड़के ने जो है इनका पीछा किया और जब उन्होंने देखा कि वो गली में घुसने वाले थे तो उन्होंने मेन रोड पर जो है उन्हें रोक लिया। एक बार फिर से हम पार्षद से बातचीत जरूर करना चाहेंगे। सर वो शख्स कहाँ है जिन्होंने इस रेडी को रोका था? ये पवन, ये रहा पवन, ये रहा जी। तो कहाँ से कहाँ लेकर आए हैं ये लोग? ये शिव कॉलोनी से चले थे जी, महाराणा प्रताप स्कूल की जो बैक साइड लगती है उसके पीछे एक डिपो है, जो सनी नाम का लड़का है उसका एक डिपो है, वहाँ से इसने ये कट 3.5 क्विंटल के करीब जो कट्टे हैं, इनका वेट है 3.5 क्विंटल के करीब, वहाँ से लेके चला और वहाँ से इसकी फिल्म बननी शुरू हुई। तब मेरे पे फ़ोन आया कि भाई ऐसे बाजरे के जो बाजरा, जो गरीबों का बाजरा है वो जा रहा है। मैंने कहा इसको रोक ले तू यहीं पर, मैं अभी आ रहा हूँ। जब इस भाई ने इसको यहाँ रोका, बाजरा देखा जी, अधिकारियों को बुलाया मैंने, आप तो सबसे पहले ही अनिल DFPCP पे फ़ोन किया था तो उन्होंने कहा कि भाई अभी इंस्पेक्टर साहब आपके पास में पहुँचने वाले हैं। अभी तक तो आया नहीं जी कोई। हाँ देखो बिल्कुल है जी, इसमें तो जब देखो आप ये देख लो जी, आप आधा घंटा के करीब मेरे को यहाँ हो गया, अगर मतलब आधा पौना घंटा यहाँ हो गया, मार्केट के लोग भी देख ही रहे हैं और इसको मैंने यहाँ पकड़े हुए भी आधा पौना घंटा हो गया, उसमें कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो बात है जरूर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आधे घंटे से ज्यादा जो है वो हो चुका है, अभी तक DFSC विभाग के अगर हम लोग अधिकारियों की बात करें तो वो मौके पर नहीं पहुंचे हैं। आटा घोटाला की हम बात करें, उस समय भी DFSC के जो अधिकारी है उनके द्वारा कोई भी ठोस कदम जो है नहीं उठाया गया था, तबादले जरूर किए गए लेकिन उसके बावजूद कोई भी सख्त कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई। उसके बाद धान घोटाला भी हुआ। अब हम लोग आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से 3.5 क्विंटल बाजरा जो है, जैसा कि पार्षद का आरोप है कि वो किस तरीके से डिपो से जो है चक्की पर लेकर जाया जा रहा था। हालांकि रास्ते में ही एक शख्स ने जो है उसे देखा, उसने वीडियो बनाई, DFSC विभाग के जो अधिकारी है उनको फोन किया गया लेकिन आधा घंटा अभी तक हो चुका है, कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं मिला है। ये बहुत ही आम सी बात है कि अगर कोई भी घोटाला सामने आता है तो अधिकारियों की मिलीभगत जो है उसमें
में जरूर होती है, क्योंकि बिना अधिकारियों के मिली भगत के जो ऐसे काम नहीं हो सकते हैं। तुम्हारी आप लोगों से अपील ही रहेगी कि जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अधिकारियों तक हम लोग वीडियो पहुंचा सके कि सीएम सिटी करनाल में एक और घोटाला जो है वो हो रहा है, जहाँ पिछले दो घोटाले की अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है, वही तीसरा घोटाला एक और सामने आ गया है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को अब कमर कसने की जरूरत जरूर है, उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत जरूर है, क्योंकि गरीबों को जो है उनके हक का सामान नहीं मिल रहा है। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों से अपील यही करना चाहूंगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।